पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने आपको निमंत्रण क्यों दिया हरेक अपनी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करता रहता है लेकिन संगठित रूप से इतनी बड़ी संख्या में भाई बहनों को और वो भी मीडिया से संबंधित भाई बहनों से को निमंत्रण देना इसका कारण क्या है जिस तरह से आपको बताया जा रहा है कि आपका उत्तरदायित्व क्या है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसी तरह से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो एक विश्वविख्यात संस्था है जिसके 4000 से ज्यादा सेवा केंद्र हैं जिसका संबंध यूनाइटेड नेशंस के साथ एज एनजीओ मेंबर इन जनरल कैटेगरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल विद कंसल्टेटिव स्टेटस और फिर इसके साथ में यूनिसेफ युन, और दूसरी कई जो यूएन की एजेंसीज हैं उनके साथ संबंध है कंसल्टेटिव स्टेटस के रूप में अपना उत्तरदायित्व समझते हैं कि समाज के अंदर आप सब ने मीडिया पर्सनस ने एक ऐसा रोल प्ले किया है जो एक रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट का है समाज क्या है उसकी हालत क्या है उसका स्वास्थ्य क्या है वो आपने सबको बता दिया लेकिन समाज के अंदर वो जो स्वास्थ्य लाने के लिए आवश्यकता है जिस चीज की उसके लिए इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के फाउंडर ने आज से बासठ वर्ष पहले इस चीज़ को रियलाइज किया था क्योंकि वो गांधी जी के कंटेम्प्रेरी थे गांधी जी ने उस समय भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी मूवमेंट चलाई लेकिन उसके साथ साथ पैरल एक ऐसा कारोबार चला है कि उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया उन्होंने इस चीज को विजुलाइज किया कि बाकी सब प्रकार की जरूरियात पूरी करने के लिए सब पुरुषार्थ करते हैं लेकिन एक चीज की कमी होती जा रही है और वो है आध्यात्मिक मूल्यों की नैतिक मूल्यों की और उस बात को लेकर के शुरुआत छोटी होती है बिगनिंग्स आर हम लेकिन धीरे 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 क्योंकि वो आवश्यकता बिल्कुल क्लियर थी और उस चीज का आज जितना आभास सभी को हो रहा है कि समाज में ये बुराई आ गई है ये बुराई आ गई है ये बुराई आ गई है ऐसी बहुत सी बातें जब सुनते हैं उसके बाद अगर किसी से भी पूछो इसका कारण क्या है तो कहेंगे कि हम अपने जो भारत की संस्कृति हमारे भारत के जो प्राचीन मूल्य हैं हम उस पर चलना भूल गए तो उन्हीं मूल्यों को फिर से समाज में लाने के लिए समाज को मूल्य निष्ठ बनाने के लिए अपना उत्तरदायित्व समझते हुए ईश्वरी विश्वविद्यालय ने हरेक वर्ग सिर्फ मीडिया वर्ग नहीं हरेक वर्ग के अंदर ये कमी आई हुई है और हर एक वर्ग में अगर ये कमी पूरी हो फिर से आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य आ जाए सामाजिक मूल्य आ जाए मानवीय मूल्य आ जाए तो सारी समस्याओं का हल हो जाए इस उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए जो पहले भी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं काफी बड़ी संख्या में भाई बहनों ने अलग अलग वर्ग के भाई बहनों ने उसमें लाभ लिया भाग लिया और संदेशवाहक बन करके गए यहाँ से इसी तरह से आप सब भाई बहनों को भी आमंत्रित किया गया और आपने उस निमंत्रण को स्वीकार किया उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं और आप सबको यहाँ देखकर हमारा सिर गौरव से ऊंचा होता है मैं जो मीडिया वैल्यू बेस्ड मीडिया के बारे में कुछ विचार इतने सुंदर हमने सुने हैं बहुत ही अच्छे ढंग से पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने बातें रखी मैं बहुत संक्षिप्त में आपको अपना कुछ थोड़ा थोड़ा अनुभव जो है वो बताना चाहता हूं एक तो मीडिया को मैं एक शिप के नेविगेटर के रूप में देख रहा हूं कैप्टन शिप को किस तरफ ले जाए उसके लिए नेविगेटर गाइड करते हैं नेविगेशन में अगर कोई गलती हो जाए एक्सीडेंट हो जाते हैं उस नाते से मैं देखता हूं कि मीडिया ने मीडिया का जो रोल है नेविगेटर के रूप में कि समाज को कौन सी दिशा में जाना है लक्ष्य के बारे में सुना उस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए दिशा निर्देश क्या है किस तरफ जाएं और उसके साथ साथ उनको किस किस बात से सावधान रहना है कौन कौन सी ऐसी बातें रॉक कहाँ आ रही है वादा कहाँ आ रही है वो सब बातों को अच्छी तरह से उजागर करने के लिए मीडिया निमित है ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नेविगेटर को बहुत ही अपने कार्य में थॉर नॉलेज चाहिए बहुत अच्छा गहन उसको अध्ययन चाहिए कई बार ऐसा होता है बहुत से लोग उत्सुक हो जाते हैं मीडिया से संबंधित होने के लिए अच्छी बात है सेवा के भावना से अगर होते हैं तो अच्छी बात है लेकिन कई बार आप देखेंगे कि ओवर एंथ्यूजम के कारण कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं और उसका कारण क्या होता है कि वो नेविगेशन में वो मीडिया पर्सन पूरे अपनी कारोबार में ठीक ढंग से अपना कार्य ना उसका वो अध्ययन करते हैं ना उसकी ट्रेनिंग लेते हैं ना उसके लिए प्रयास करते हैं अध्ययन करने का कुछ समय पूर्व जब अगय जी जीवन में थे उन्होंने एक बहुत अच्छी वर्कशॉप रखी थी माउंट आबू पे अपने ही कॉम्प्लेक्स में और उनका लक्ष्य था कि जो नए यंग लोग इसमें आते हैं पत्रकारिता में उनको हम ट्रेन करें उनको हम अच्छी तरह से गाइड करें इस तरह के अगर गाइडेंस पत्रकारिता में ज्वाइन होने वालों को मिलती रहे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा अपना वो पार्ट बजा सकते हैं कुछ एक बातें सामने आती हैं कि जिन्होंने पत्रकारिता में अपने आप को सम्मिलित किया उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया लाला जगत नारायण जी यहाँ कुछ समय पहले आए थे जब हमारी कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुई थी एटीज में और उन्होंने आकर के अच्छी तरह से हर चीज को बड़ी महीनता से देखा देखने के बाद पार्टिसिपेट भी किया कॉन्फ्रेंस में और जिस तरह से दादी जी ने आपको बताया कि आप परमात्मा के वाहक बन के जाएंगे वो प्रैक्टिकल उन्होंने इस चीज को किस तरह से किया हिंद समाचार न्यूज़पेपर वो उर्दू में लिखते थे और उनकी कॉपीज हमारे पास आई थी क्योंकि मैं उर्दू जानता था पढ़ सकता था सात दिन तक लगातार उन्होंने एडिटोरियल लिखा जस्ट इमेजिन माउंट आबू की विजिट के बारे में इस ख्याल से कि जो अच्छी चीज है जो मुझे अच्छी चीज देखने को मिली है जानने को मिली है मैं इससे समाज को लाभान्वित करूं। और उनके सुपुत्र रमेश जी वो भी कुछ समय के बाद यहाँ आए थे उन्होंने भी इसी तरह से जो उनको देखने को मिला जानने को मिला उन्होंने उस चीज को वहाँ लोगों तक पहुँचाया इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप सब पधारे हुए भाई बहनों के लिए विशेष रूप से मैं तो यही कहूँगा कि वर्तमान युग में अगर आपको सत्यता को उजागर करना है अगर आपको मूल्यों को उजागर करना है तो पहले जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया अपने अंदर वो शक्ति चाहिए मनोबल चाहिए और उसके लिए ऐसा दृढ़ता का एक अपने अंदर संकल्प चाहिए गांधी जी का मिसाल हम कभी नहीं भूल सकते उन्होंने अपने समय पर कितना सहन किया उस समय लेकिन वो जिस सत्यता पर चल रहे थे अहिंसा पर चल रहे थे सहन बहुत किया लेकिन उस दृढ़ता में कमी नहीं आई और गांधी जी अगर सफल हुए तो वो उनका मैंने जो उनकी फिल्म भी देखी और उनकी जो किताबें भी पढ़ी हैं तो उसका मूल आधार था कि उनको मीडिया ने पूरा पूरा सहयोग दिया था अगर उनके साथ मीडिया सहयोगी नहीं बनता उस समय और उनके संदेश को वो प्रकाशित नहीं करते जिसके कारण उस समय के ब्रिटिश राज तक वो बातें ना पहुंचती तो शायद हम आज़ाद हिंदुस्तान में आज सांस ना लेते इस बात को देखते हुए गांधी जी की उस दृढ़ता को देखते हुए और जिन मूल्यों को उन्होंने भी शुरू किया था उस बात को सामने रखें और एक अपने देश के लिए अपने समाज के लिए मैं यही कहूँगा कि जो समाज की जो यात्रा है उस यात्रा रूपी शिप रूपी यात्रा शिप के द्वारा जो यात्रा चल रही समाज एक शिप की तरह है अगर तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए और जो दादी जी ने कुछ बात सुनाई है मैं समझता हूँ वो आप हम सभी का एक यही लक्ष्य रहता है कि व्यक्तिगत जीवन में मनुष्य स्वस्थ हो शांत में जीवन हो और उसके बाद उसको घर में परिवार में समाज में उसकी इज्जत भी हो और वो सुखी भी रहे और इसी तरह से हर एक देश के देशवासियों को यही रहता कि हमारा देश प्रगति की ओर जाए श्रेष्ठ बने उन्नति की ओर जाए और फिर विश्व के लिए भी भारतवासी तो सदा यही कहते हैं विश्व बंधुत्व की भावना हो इन सब बातों को सामने रखते हुए इस विश्वविद्यालय ने कुछ वर्ष पहले एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड बेहतर विश्व के लिए सर्व के सहयोग से बेहतर विश्व बनाया जाए उसके लिए मैं कहूँगा कि अगर हम ऐसा उच्च लक्ष्य रख करके समाज को हम दिशा निर्देश दें तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत बड़ी सेवा समाज की कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं उसके लिए मनोबल बहुत चाहिए और मनोबल लाने के लिए सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता के साथ हमारा आंतरिक कनेक्शन चाहिए क्योंकि उसके लिए सिर्फ हम विचार करते हैं सिर्फ हम बातें करते हैं उससे नहीं होगा लेकिन कुछ अंदर की साधना जरूरी है जैसे पहले ब्रिजमोहन भाई ने भी कुछ सुनाया त्रिखा जी ने भी बहुत अच्छी बातें सुनाई एक मेरा अपना अनुभव है कि अगर हम अच्छे कार्य को सफल बनाना चाहते हैं करना सब चाहते हैं लेकिन उसको सफल करना चाहते हैं तो हमें इस समय दूसरे किसी के सहयोग के साथ साथ परमात्मा पिता का सहयोग लेना बहुत जरूरी है और आप ये जो तीन चार दिन यहां हैं मेडिटेशन क्या चीज है मेडिटेशन का आधार क्या है मेडिटेशन में हम क्या करते हैं जब वो बातें जानेंगे उससे आपको लगेगा कि कोई ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं है परमात्मा हम सबके पिता हैं उनके साथ हमारा संबंध इतना सहज सरल और क्लियर है अगर वो जोड़ करके रखें तो उन उस पिता परमात्मा से वो सर्व शक्तियां हम आत्माओं में पुनः आ जाती हैं क्योंकि हमारा अधिकार है उनके ऊपर और वो ईश्वरीपन अपने अंदर आ जाए तो स्वतः ही पहले तो अपना मन सुखी हो गुरुबाणी में है जब साहब तो सुखमणि मन सुख है तो उसका इफेक्ट तन के ऊपर भी आता है क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं है और फिर इसके साथ साथ शुभ और शुद्ध सोचने के लिए भी उत्सुकता रहती है क्योंकि अभी तक का जो मानना है बहुत सी बातें कुछ मीडिया के प्रति भी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में कि मीडिया तो जो नेगेटिव न्यूज है उसके लिए वही न्यूज है पॉजिटिव तो कोई न्यूज ही नहीं है लेकिन इस भ्रांति को परिवर्तन करना इस भ्रांति को वाश ऑफ करना ये भी आज मीडिया पर्सनस के अपने हाथ में है और मैं समझता हूँ कि जब आप अच्छा बुद्धि का भोजन समाज को देंगे आपके प्रति भी समाज बहुत थैंकफुल होगा आपको दुआएं देगा अभी आपने जो अभी तक कार्य किया है एजुकेशन देने का हाँ, एक है इन्फॉर्मेशन देने का इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एजुकेशन भी दे रहे हैं उसमें थोड़ा ये एडिशन कर ली जाए ऐसा लक्ष्य रखा जाए क्योंकि मुझे एक ऐसा इंस्टेंस याद आता है बॉम्बे के एक जर्नलिस्ट भाई आज तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो पिताश्री जी से मिले ब्रह्मा बाबा से 1966 की बात है मेरे सामने मिलते ही बाबा से कहा दादाजी मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन करवाओ बाबा ने कहा बच्चे सेल्फ रियलाइजेशन कौन करना चाहता है कि मैं करना चाहता हूं बाबा ने बहुत शॉर्ट में उनको एक दो मिनट एक्सप्लेन किया कि सेल्फ क्या है कौन है ये मैं कौन हूं जो देख रहा है जो सुन रहा है जो बोल रहा है ये मैं आत्मा हूँ और ये मेरा माध्यम है एक सेल्फ एक्सप्रेशन का इस बात को जरा सोच करके मैं आत्मा हूँ इतना ही सोच के बैठ और उनको उस समय साइलेंस में दो तीन मिनट बिठा दिया उस समय उनको जो अनुभव हुआ तीन मिनट के बाद वो कहने लगे बाबा एक बात मुझे कहनी है क्या कहनी है बाबा मैंने बिना आपको देखे बिना आपको जाने बिना इंस्टीट्यूशन को जाने मैंने दूसरों के कहने सुनने पर आपके खिलाफ बहुत कुछ लिखा है सच बोला इतनी तो ताकत उनमें आ गई कि मैं सत्यता तो बताऊं तो बाबा ने कहा बच्चे वो तो पुरानी बात हो गई पास्ट की बात हो गई आगे के लिए क्या करना है तो बाबा ने यह नहीं कहा मेरे लिए अच्छा लिखो बाबा ने यह नहीं कहा इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा लिखो बाबा ने कहा बच्चे जो कुछ भी लिखना है किसी के लिए भी लिखना है किसी व्यक्ति के लिए लिखना है इंस्टीट्यूशन के लिए लिखना है पहले पूरी जानकारी उसकी प्राप्त करो उसकी सत्यता को जान करके फिर आप उसको लिखो उसके बाद उनके लिखने में इतना परिवर्तन आया और लोगों ने उनको इतना धन्यवाद दिया इतना उनको दुआएं दी और उनको चिट्ठियां जाती थीं कि आपके लेखनी में इतना परिवर्तन आ गया तो ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति अपने लिए भी अपने कॉन्शियसनेस में क्या लाना चाहते हैं तो जैसे पहले हमने सुना के मीडिया इज नथिंग एल्स इट इज मीडिया पर्सन समाज क्या चाहता है या कहता है या पेपर के मालिक क्या कहते हैं क्या चाहते हैं वो नहीं लेकिन मीडिया पर्सन समाज को किस तरफ ले जाना चाहता है वो मीडिया पर्सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस रोल और उसको समझ करके हर एक अपने दिल में ये एक निश्चय करे कि मुझे नव चेतना समाज के अंदर लानी है किसी को अगर कोई बीमारी हो कैंसर की बीमारी हो या कोई दूसरी हो उसको बार बार यही कहते रहो आपको बीमारी है आपको कैंसर की बीमारी है कैंसर की बीमारी है समाज में ये बुराई है ये बुराई है आखिर रिजल्ट क्या होगी उसकी रिजल्ट ये होगी कि समाज धीरे धीरे अपनी जो अच्छी सोचने की बात है उसको छोड़ देगा कहेंगे समाज के लोग यही सोचेंगे अब तो समय ही ऐसा है वातावरण ही ऐसा है समाज ही ऐसा है हम क्या करें हीनता का भाव पैदा हो गया उसे लेकिन समाज को हीनता के भाव से ऊपर उठाना नव चेतना लाना और एक नई दिशा दिखाना इस जवाबदारी को अगर हम समझ करके अपने कलम की शक्ति का प्रयोग करें तो मैं समझता हूं जो दादी जी ने हमें एक बहुत सुंदर शब्दों में बताया कि हर एक के जीवन में वो पवित्रता हो वो शांति हो वो प्रेम हो वो आनंद हो उसको दूसरे शब्दों में ब्रह्मा कुमारी जो परिभाषा है उसको बेहतर समाज बेहतर विश्व अथवा उसको सत्युगी दुनिया सत्युगी समाज नाम दिया है क्या ऐसा हम करने के लिए इच्छुक हैं क्या हम भारत को फिर से वही दैवी स्वराज बनाना चाहते हैं हमने स्वराज ले लिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहते सुराज होना चाहिए हम कहते हैं सुराज भी करने के लिए पुरुषार्थ कर ले फिर भी नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं सबसे श्रेष्ठ सबसे ऊंचा लक्ष्य रख करके इसको दैवी स्वराज बनाने का जो गांधी जी चाहते थे रामराज हो ब्रह्मा बाबा ने भी ऐसा ही हमें एक ऐसा चित्र दिखाया है ऐसा एक स्वप्न नहीं लेकिन दिव्य दृष्टि के द्वारा दिखाया है कि ये भारत पुनः दैवी स्वराज बनने वाला है उसमें हम अपना पार्ट प्ले करें और जो इसमें सहयोगी बनते हैं उनको दिल में खुशी होती और उनको एक सबकी दुआएं मिलती हैं तो अपना कर्तव्य करते करते समाज को ऐसी श्रेष्ठ एजुकेशन देने के निमित्त बनके सबकी दुआएं लेने के लिए पात्र बन जाए हम और परमात्मा के सच्चे सच्चे संदेशवाहक बन जाएं, जिस तरह से दादी जी ने कहा ऐसी शुभकामना के साथ जैसे दादी जी ने कहा मैं भी आपको नवरात्रि की दशहरे की बहुत बहुत मुबारक देता हूं, ओम शांत जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं सत्तर प्रतिशत ऐसी अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाए तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए किसी भी आयु धर्म संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं विविध प्रशिक्षण जैसे स्व प्रशासन एवं नेतृत्व तनाव मुक्त जीवन सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी अकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं अधिक जानकारी है तो हमारी वेबसाइट बी के डब्ल्यू एस यू डॉट कॉम आरोप जाए अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र ऐसी से संपर्क करें